दोस्तों, मैं हूं मंजीत और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का मेरी जान कोटद्वार में। तो सबसे पहले आप सभी को फूल देवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज से हो चुका है चैत्र महीने का शुभारंभ। और पहले क्या होता था कि पहले छोटे छोटे बच्चे आते थे, वो मतलब दहलीजों पर फूल रखते थे, टीका लगा देते, प्रसाद वरसाद मिलता था, पैसे वैसे मिलते थे उनको, तो काफ़ी अच्छा लगता था। छोटे छोटे बच्चे आते थे सुबह सुबह, फूल रख के चले जाते थे, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिलता। तो हमारे घर पर भी मनाते हैं फूल देही, सुबह सुबह उठ के फूल वगैरह दहलीजों पे रखते हैं, रंग बिरंगी फूल। फूलों का त्यौहार यहाँ पे शुरू हो गया है। तो चैत्र महीने में वैसे फूल तोड़ते नहीं, लेकिन पूजा के लिए तोड़े जाते हैं। बाकी अच्छा लग रहा है, नया महीना शुरू हो चुका है। तो फटाफट से एक बार नज़र डाल लेते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में क्या रखा है, फिर आपसे बात करते हैं। आज की खबर कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले नज़र इस पर पड़ी थी, अच्छा लगा देखकर। रंग बिरंगी फूलों से सजेगी घर की देहरियाँ, फूल देही आज से शुरू होती है। पहाड़ों में चैत्र मास की संक्रांति से वसंत के स्वागत के लिए डाले जाते हैं घरों के आगे फूल। तो आप सब लोग भी मना रहे होंगे फूल देही का त्यौहार। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आज की खबर क्या है, एक बार नज़र डाल लेते शुरू से। कांग्रेस, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला, आगे बढ़ते हैं। और देख सकते हैं, बिना ट्रैकिंग डिवाइस यात्रा पर नहीं जा सकेंगे वाहन। तो कुछ इस तरीके की न्यूज़ आई है। तो अभी जितनी भी गाड़ियां जाएंगी चार धाम यात्रा में, सारी गाड़ियों में डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाएंगे, जिससे कि वो ट्रैक हो सके। और ये ट्रैकिंग डिवाइस सैटेलाइट से कनेक्टेड है, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इस बार। बाकी आगे बढ़ते हैं। भटवाड़ी के पास आग से दिन भर जलता रहा जंगल। तो यार, उत्तरकाशी में भी लग चुकी आग, इससे पहले टिहरी में भी काफ़ी ज़्यादा जंगल जले थे, क्योंकि इस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, अभी तक तो एक भी बूंद नहीं पड़ी है। तो जिस वजह से जंगल काफ़ी ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि सूख गए हैं, एकदम पत्ते पत्ते हो रखे हैं, पतझड़ का मौसम भी है, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा आग धधक रही है पूरे उत्तराखंड में। बाकी क्या है आज की खबर, क्या है क्या है क्या है, कुछ काम का हो तो मैं आपको बताऊँ। कोरोना की तरह होगा इन्फ्लुएंजा का इलाज। तो जी, आ गई है एक और नई बीमारी इन्फ्लुएंजा, इसका होने वाला है कोरोना की तरह इलाज, तो वैक्सीनेशन लगेंगी। बाकी क्या है कुछ खास जो हो, तो ये देखिए एक और तड़कती भड़कती खबर। नकल रोधी इंतजाम के बीच उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं कल से। तो नकल रोधी इंतजाम का यहाँ पर किया गया है इंतजाम, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं जॉब्स के लिए, वहाँ नकल रोधी इंतजाम का कोई भी इंतजाम नहीं है। और सॉरी, इंतजाम तो है लेकिन कि इंतजाम ढंग से नहीं कर पा रहे। अच्छा जी, ठीक है जी, आगे बढ़े जी। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं लग रहा मुझे बताया जाए आपको। तो खबर यही है सबसे मेन चीज़, कि फूल देही हो रहा है आज से शुरू। आप सभी को चैत्र मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फूल देही की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। पहाड़ों में तो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है फूल देही, लेकिन हमारे यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है इतना। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।